हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत जोर शोर से अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं क्लास टेंथ के बच्चों की बात कर रही हूँ और ट्वेल्थ के भी बच्चों की बात कर रही हूँ। और क्योंकि डेट शीट रिलीज़ हो गई है, तो ऑफकोर्स कि आप सब अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका टाइम टेबल आ गया है, बहुत सारी बीच में छुट्टियाँ हैं, उनको आप वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। तो अब मैं जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ वो ये सीरीज़ है कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ देखूँगी, मतलब कि जो मोस्ट ऑफन आए हैं एग्ज़ाम्स में लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर्स बहुत बार रिपीट हुए हैं। और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, डिफ़िकल्ट लगते हैं जब आप इसको सॉल्व करने बैठते हैं। तो आज मैं जिस चैप्टर पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आज डिस्कस करूंगी, और वो है हाइट एंड डिस्टेंस का। है तो ये चैप्टर बड़ा मज़ेदार, लेकिन बच्चों को डिफ़िकल्ट क्यों लगता है ये मुझे समझ ही नहीं आता है ना। तो इस पे डिस्कस करते हैं और कोशिश करूंगी कि आपके इस प्रॉब्लम को मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर पाऊँ। मैं आपको ये एक और हिंट, एक की दूंगी, वो ये है कि आपको इस क्वेश्चन को कितने मिनट में सॉल्व करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपके पास होंगे सिर्फ 2 घंटे, है ना, और आपको करने होंगे सारे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है इसमें, आपको करना है बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट। यू हैव टू मैनेज योर स्पीड टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, की जो कि आपके बहुत सारे बर्डन्स होंगे, बहुत डर होगा, बहुत कुछ प्रेशर होगा, और वो भी मैथ्स पेपर का, तो माइंड ब्लोइंग प्रेशर होगा, है ना। लेकिन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ते हैं, है ना, आप एकदम कॉन्फिडेंटली पढ़ते हैं, आप अपने पढ़ाई को टाइम देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पर दिखना चाहिए एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आज मैंने जो क्वेश्चन टॉपिक लाया है वो है हाइट एंड डिस्टेंस का, क्वेश्चन नंबर 6, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसको करते हैं हम डिस्कस। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, वो स्टैंड है कुछ ही डिस्टेंस पे एक बिल्डिंग के जो कि 30 मीटर हाई पे है। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, एक 1.5 मीटर का एक बॉय है जो उससे कुछ डिस्टेंस पे है। एंगल ऑफ एलिवेशन उसके आईज के बनते हैं 30 से इंक्रीज हो के 60, मतलब अब दूर है तो बिल्डिंग से दूर है तो वो 30 डिग्री का बना रहा है, और जैसे जैसे वो पास हो रहा है वो किस एक पॉइंट पे आ रहा है, और उसके बाद उस एंगल को देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 60 डिग्री का, ठीक है। तो अब ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ऑफकोर्स जब वो दूर होगा तो आते 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 अब उसको बिल्डिंग थोड़ी पास ही लगेगी और एंगल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ कि उसी डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को उसको कवर करना है, कवर कर चुका है, आपको निकालना है कि कितना उसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है कि मोस्ट ऑफ द जो थीटाज हैं हमारे, जो एंगल्स हैं इस चैप्टर में, वो 10 के ही बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन में फिगर बना दिया है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है बना दिया है हमने, और फिर इसको स्टार्ट करते हैं हम पहले पॉइंट से कि अगर मैं लेती हूँ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ऑफकोर्स मैं थीटा लूँगी 30 डिग्री, है ना। तो 10 30 डिग्री से स्टार्ट करूँगी। 10 30 डिग्री मतलब पी अपॉन बी, ठीक है। तो अगर मैं पी पूरा लेती हूँ क्या ए सी, है ना, ए डी लूँगी मैं, तो ऑफकोर्स क्योंकि ये तो ट्राइंगल यहाँ पे ख़त्म हो गया, है ना, ए डी अपॉन बी डी। अब आपको पता ही नहीं ए डी कितना है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ए सी में से, पूरी बिल्डिंग की हाइट में से अगर मैं सी डी को माइनस कर दूँ तो निकल जाता है ए डी। पूरी हाइट में से इतनी हाइट को मैं हटा दूँगी तो निकल जाएगा ए डी, और ये रहा आपका बी डी, ठीक है। तो क्या हुआ आपका यहाँ पे 10 30 मतलब 1/√3 होता है ए डी, ए सी अपॉन सी डी हो गया आपका 30 - 1.5/bd। तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली आपके पास कितनी, 28.5 × √3। ये जो रूट थ्री हुआ यहाँ पे आके ट्रांसपोज हो गया, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 खत्म। 10 30 डिग्री में आपने बी डी निकाल लिया है। अब देखिए, अब आपके पास क्या है 10 60 डिग्री। नाउ 10 60 डिग्री पे वर्क करेंगे। 10 60 डिग्री आपका कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए सी डी, है ना। ये ए सी डी पे बात हो रही है अब, क्योंकि 10 60 डिग्री तो इतना ही है, है ना। तो चलिए करते हैं फिर से ए डी अपॉन सी डी, ठीक, ए डी अपॉन सी डी, 10 60 डिग्री रूट थ्री होता है। ए डी अभी अभी आपने बताया है 28.5 है, और ये है आपका सी डी। तो सी डी की वैल्यू कितनी निकलेगी, आप देखिए
सीडी की वैल्यू है 28.5/√3। ठीक, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ से आई होप कि पूरा क्लियर है स्टेप। अब आते हैं, आपको तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है ना कि कितना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं कि अगर आपको BC पता होना चाहिए, क्योंकि वही तो निकालना है आपको, तो पूरे BD में से माइनस कर दीजिए CD को। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में से इतने पोर्शन को आप हटा दीजिए, इतने, तो कितना बच जाएगा? ऑफकोर्स BC बचेगा। ओके, तो यहाँ पे था बॉय और यहाँ पे था बॉय और यहाँ से आपने डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक का, तो वही आपको निकालना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। BD की वैल्यू आपकी कितनी निकली है? 28.5/√3 -28.5/√3। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, या फिर 28.5 को आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, नो इशू। तो हम स्टार्ट करते हैं हम डिनोमिनेटर्स को सेम करने वाला सिलसिला। 28.5 √3 × √3 × 3 ही होता है, और माइनस 28.5 कर लेते हैं, अपॉन रूट लेते हैं रूट थ्री को। ठीक है, 28.5 कितना होता है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, इंटू 3 से मल्टीप्लाई, ये हुआ 15, देन 25, देन 85.5। 85.5 से 28.5 को माइनस भी करना है, यहीं कर लेते हैं हम, ये हो गया आपका 7 और यहाँ पे हो गया आपका 57। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, इसका आंसर है 28.5 इंटू 3 का आंसर है आपका 85.5 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3, और इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 57 अपॉन रूट 3। नाइन्थ में हमने रैशनलाइजेशन सीखा है, रूट 3 कभी भी डिनोमिनेटर में होता है तो उसको सेम नंबर से न्यूमरेटर और मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को, ताकि ये रूट जो है वो कैंसिल हो सके, और ये आपका आ गया 57√3/3, इसको कैंसिल करेंगे और तो ये आ जाएगा 19। तो BC की वैल्यू क्या आई? द डिस्टेंस का वर्ड, द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, द बॉय वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3 meter। अब अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि रूट 3 की वैल्यू आपको 19 1.73 रखना है, तो 19 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपका फाइनल आंसर ये भी है और ये भी है, ये दोनों ही आपके फाइनल आंसर बिल्कुल हो सकते हैं बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो कैसा रहा ये इन्फो, ये पूरा आपका जो मैंने सॉल्यूशन किया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। डाउट होगा तो ऑफकोर्स मुझे फिर से बताएंगे आप, आई विल सॉल्व इट फॉर यू अगेन, ठीक है, थ्रू मेलिंग, जस्ट लेट मी नो। और आई होप करती हूँ कि अब इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं, अगर आपका ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप जरूर अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिएगा, बोर्ड्स की तैयारी जोर शोर से करिएगा। थैंक यू एवरीवन।